छांदोग्य उपनिषद की तीसरी कक्षा प्रथम प्रपाठक के दो खंडों को हमने पीछे देखा। उद्गीत का वर्णन चल रहा है, उद्गीत क्या है, उद्गीत की उपासना किस किस ढंग से की जा सकती है, उद्गीत की उपासना करके कौन कौन ऋषि लोग क्या क्या हो गए, किस स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया। जो उद्गीत की उपासना करता है मुख्य प्राण के रूप में यानी परमात्मा की उपासना करता है वो इस फल को प्राप्त करता है। जो अन्य इंद्रियों को ही उद्गीत मान के प्राण आश्रय मान करके उन्हीं की उपासना में लगता है वो दोषों से ग्रस्त होता रहता है। नेत्र को, नासिका को, मन को, इनको जो मुख्य मान करके करता है वो विभिन्न चीज़ों में दोषों से ग्रस्त होता रहता है। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं लेकिन इन्हीं को केवल लेके चलेंगे तो दोष अवश्य आएंगे। प्राय एक प्रश्न पूछा जाता है कि हम वैसे ही अच्छे चल रहे हैं तो परमात्मा को मानने की जानने की क्या आवश्यकता है। वैसे ही यम नियम का पालन करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, परमात्मा को मानने की उपासना करने की क्या आवश्यकता है। उसकी तरफ भी इससे संकेत ले सकते हैं कि परमात्मा को छोड़ करके जब हम विभिन्न चीज़ों का उपयोग करेंगे, अपनी दृष्टि से हम भले ही उचित प्रयोग कर रहे हों, अच्छे से अच्छा उपयोग कर रहे हों, लेकिन वहाँ दोष आएंगे, दोष आ ही सकते हैं। तो उद्गीत की उपासना, उद्गीत शब्द का प्रयोग, ओम शब्द का प्रयोग, मुख्य प्राण को, ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए जब हम करते हैं तब दोषों से रहित रहते हैं। ओम की ध्वनि का उपयोग अन्य मत संप्रदायों में भी करते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो भी ओम शब्द का प्रयोग करते हैं, ओम का जप करते हैं, उस ध्वनि को अच्छा मानते हैं, लेकिन ईश्वर को वो स्वीकार नहीं करते। तो उद्गीत की उपासना में ओम का, उद्गीत का उच्चारण, जप जो हम उपासना कर रहे हैं तो वो मुख्य प्राण को यानी परमात्मा को ध्यान में रख करके करनी है। ये मुख्यता यहाँ बताई जा रही है क्योंकि अभिप्राय वही है, मुख्य अभिप्राय वही है, बाकी चीज़ें तो उसकी प्राप्ति का, उसकी उपासना का माध्यम बनती हैं। इन सबको करते हुए ब्रह्म ही हमारे ध्यान में रहना चाहिए और जो ऐसा करता है वो दोषों से रहित रहेगा, उसको बाधा नहीं होगी, उसको असुर प्रताड़ित नहीं करेंगे और असुर उसके पास आएंगे भी, हानिकारक तत्व हैं, दुर्गुण हैं, तो खंडित होकर के गिर जाएंगे, नहीं तो इनकी उपासना चलती रहेगी और साथ में दोष भी रहेंगे। जो नाक से, ये सब तो एक वैसे उदाहरण रूप में दिया गया समझाने के लिए केवल है कि नेत्र से देखेगा तो अच्छा और बुरा दोनों देखेगा, नाक से सूंघेगा तो अच्छा बुरा दोनों सूंघेगा इत्यादि, मन से विचार करेगा अच्छा और बुरा दोनों करेगा। लेकिन जब ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म को उद्गीत के रूप में स्वीकार करते हुए चलता है तो ये दोष नहीं आते, फिर उसको पूरी निर्मलता शुद्धता से वो कर सकता है, नहीं तो कुछ ना कुछ दोष आ जाएंगे और उस अवस्था में जब दोष आते हैं वो टकरा करके खंडित हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे, वो खुद खंडित हो जाएंगे, नहीं तो दोष आएंगे और इसमें घुस जाएंगे, स्थान बना लेंगे। इसलिए उद्गीत की उपासना उस मुख्य प्राण को, परमात्मा को मान करके करनी चाहिए और इसी से वो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जीवन में जैसा बनना चाहता है सर्वोत्कृष्ट वैसा वो बन सकता है, नहीं तो बन नहीं पाएगा, चलता रहेगा, वर्षों बीत जाएंगे लेकिन अंत में लगेगा कि वैसा नहीं बना जैसा मैं बनना चाहता था, जो परिपूर्णता आनी थी वो नहीं आएगी। इस बात की तरफ इन्होंने ध्यान दिलाया हमारा। ये दूसरा खंड हो गया था, किन्हीं को कुछ पूछना है दूसरे खंड में से? जी, चार ऋषियों का उल्लेख हुआ है, अंगिरस, बृहस्पति, अयास्य और बक। अयास्य और बृहस्पति और अंगिरस का तो दो दो अर्थों में वर्णन किया है, अंग और रस, बृहस्पति और
बृहति और पति, ये बक के अर्थ में उसके लिए नहीं किया, उसका अलग ढंग से किया कि उसने ये किया और उसको उद्गाता के रूप में स्वीकार किया गया, बस केवल इतना ही। अब आप यूं कहना चाहें तो आजकल तो गलत अर्थ में प्रचलित है, वो अधिक बोलता है उसको क्या बोलते हैं, बक 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 कर रहा है, ये बक बक करना है, ये भी उद्गाता है ऊपर से बोलता है, लेकिन वो निंदित अर्थ में है अभी, ये तो अच्छे अर्थ में है। यहाँ पर उस तरह आप देखना चाहें तो निंदित अर्थ हटा के अधिक बोलने के उसमें तो कह सकते हैं। ठीक है, और बस आगे देखिए, तो पिछला वाला दूसरे खंड में इन्होंने इति अध्यात्मम, अध्यात्मक विषय व्याख्या की थी, आध्यात्मिक व्याख्या की थी, आत्मा से संबंधित सीधी। अब उसी उद्गीत की दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, अब देवताओं के माध्यम से कर रहे हैं, तो इसलिए कहा अथ अधिदैवतम, देवताओं के विषय में अब चर्चा करेंगे। अंततः तो वही ब्रह्म की उपासना होगी, लेकिन बाह्य रूप स्थूल रूप यहां पर देवताओं का रहेगा, अन्य चीजों का रहेगा, जो कुछ प्राकृतिक चीजें हैं और हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये कथन कर रहे हैं। अब देखिए व्याख्या कर रहे हैं, तीसरे खंड का पहला देखिए, य एव असौ तपति तम उद्गीतम उपासीत, ये जो तप रहा है उसी को उद्गीत के रूप में उपासना करो। अब कौन तप रहा है तो कहा तो नहीं है इन्होंने, लेकिन हम सहजता से ले सकते हैं, हमारे जीवन में क्या चीज तपती रहती है, सूर्य तपता रहता है हमारे ऊपर, उसकी उपासना करें, उसी को उद्गीत मान ले। जो निराकार ब्रह्म है उसकी उपासना करना, धारणा करना, विचार करना जिनके लिए संभव नहीं है वो इस रूप में करेंगे। ये सूर्य ब्रह्म नहीं है, लेकिन इस सूर्य को ब्रह्म के रूप में मान करके चले। उपासना में हम अपने से बड़े की उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं बहुत बड़े की, ये भी बहुत बड़ा है हमारी दृष्टि से, हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हितकारी है, उसके प्रति ही हम कुछ भावना रखेंगे और इस सूर्य से फिर ब्रह्म तक पहुंचेंगे, जो इस सूर्य में है, जो इस सूर्य को चला रहा है, जो इस सूर्य की व्यवस्था कर रहा है उसकी उपासना करेंगे। लेकिन स्थूल रूप से तो चलो इसी को मान लो उद्गीत। तो य एव असौ तपति तम उद्गीतम उपासीत, इसको उद्गीत क्यों कह देते हैं, इसका नाम उद्गीत क्यों कर दिया, तो उसके लिए व्याख्या कर रहे हैं, उद्यन वा एष प्रजाभ्य उद्गायति, ये उठता हुआ, उद्यन मतलब उगता हुआ, उत्यन ऊपर की ओर गति करता हुआ यानी उगता हुआ, ऊपर गति करता है, तो ये उगता हुआ ही प्रजाओं को उद्गायति, उनके लिए ये हितकारी होता है, उनके लिए कुछ बोलता है, निर्देश करता है, वैसे मूक रहता है, कोई ध्वनि नहीं होती है, लेकिन जैसे सूर्य उग गया तो बहुत कुछ संदेश दे रहा है हमारे को, उठ जाओ सुबह हो गया, सूर्य उग गया, और सूर्य उग गया मतलब हमें भी उठना है, सूर्य उग गया हमें यज्ञ करना है, सूर्य हो गया अब हमें क्रियाशील होना है, इत्यादि काम पे जाना है, तो ये कुछ ना बोलता हुआ भी बहुत कुछ बोलता है, हमें जगा देता है, ऊपर उठाता है, हमारे हितकारी होता है। तो उद्यन वा प्रजाभ्य उद्गायति, तो उद्गीत, तो उद्यन ऊपर उठता हुआ, उद्गायति तो इसलिए इसको उद्गीत हमारे लिए कुछ बताता है, संदेश देता है। उद्यन स्तपो भयम अपहंती, और ये ऊपर उठता है तो ऊपर उठते हुए अंधकार को और भय को हटा देता है, अंधकार को हटाता है ये हमें पता ही है, और जब अंधेरा होता है तो हमें भय भी होता है, प्रकाश होता है तो हम भय से रहित होते हैं, अंधकार में आप अपने आप में भय नहीं होता है, अंधकार अपने आप में कुछ नहीं करता है, लेकिन अंधकार आशंका को जन्म देता है, कोई अहितकर चीज है इसका हमें ज्ञान नहीं है, क्या पता अंधेरे में कुछ हो, कोई जानवर हो, कोई व्यक्ति हो, कोई कांटा हो, कोई पत्थर हो, कोई हानिकारक चीज हो, एक आशंका रहती है,
इसलिए भय उत्पन्न हो जाता है। ये हमारी आशंका का भय। यदि अंधेरे में भी हमें पता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई हानिकारक चीज नहीं है, कोई गड्ढा क्या, हमें सब पता है कि यहाँ कैसी स्थिति है, ठीक ठीक है, तो कोई भय नहीं लगता है। तो अंधकार का भय अपने आप में नहीं होता है, लेकिन अंधकार में जो हानिकारक चीजें होने की संभावना है, आशंका है, उसके कारण हमें भय लगता है। तो ये सूर्य उगता हुआ क्या करता है, अंधकार को और भय को हटा देता है। उपहंता हवई भयस्य तमसो भवती या एवं वेद, जो इस बात को जान लेता है, किस बात को, कि ये सूर्य ये उद्गीत है, ये उठता है और हमें प्रेरणा देता है और ये भय और अंधकार से छुटकारा दिला देता है, जो इस बात को समझ लेता है तो छोटी सी बात। और यूं तो हम सभी जानते हैं इस बात को, जो इतना भी समझ लेता है उसका क्या होगा कि उपहंता हवई भयस्य तमसो, वो भय और अंधकार से को नष्ट करने वाला हो जाता है, वो अपने भयों को हटा देता है, वो अपने अंधकार को हटा देता है, जो इस बात को समझ लेता है। उसने देख लिया प्रकृति में कि सूर्य के उगने से अंधकार चला जाता है, तो अब वो प्रकाश का प्रयोग कर लेता है, दीपक के रूप में, विद्युत के रूप में, कैसे भी प्रयोग कर लेता है। तो तब तक प्रकाश को कर लेता है तो अंधकार चला जाता है और भय भी चला जाता है, उसका उपयोग कर लेता है अपने जीवन के अंदर। यह एवं वेदा, जो इस बात को समझ लेता है, जो नहीं समझ पाता, नहीं कर पाता, तो वो उपयोग भी नहीं कर सकता। आगे समान उ एवायम च असौ च, समान उ एव अयम च असौ च, ये दोनों समान है, अयम च असौ च, यह और वह। अयम निकटता वाले के लिए कहते हैं, असौ दूर वाले के लिए कहते हैं, लेकिन यह और वह इस अर्थ में। तभी यह और वह कौन है आगे बताएंगे, लेकिन कहा ये दो चीजें समान ही हैं। वह कौन है, वो जो तप रहा था पीछे जिसकी बात की, और उसके अतिरिक्त कोई ये यह है। आगे कहा उष्णो अयम उष्णो असौ, यह भी उष्ण है वह भी उष्ण है, वह तो उष्ण है ही जो तप रहा है, और स्वर इति इमम आचक्षते, ये जो इमम ये है इसको स्वर नाम से कहते हैं, स्वर गत्यर्थक है, गति गति करता है, ये जाता है, जाने अर्थ में है। और स्वर इति प्रत्यास्वर इति अमुम, वो जो वो है उसको स्वर और प्रत्यास्वर दोनों रूप में कहते हैं, स्वर जाने वाला, प्रत्यास्वर मतलब फिर लौट के आने वाला, जैसे गच्छति या आगच्छति और प्रत्यागच्छति, गच्छति जा रहा है, आगच्छति आ रहा है, लौट के आ रहा है, मतलब जो गया और जाके फिर आ रहा है उसको कहते हैं प्रत्यागच्छति। गच्छति तो केवल गया, यहां से बस गया, वो गया और कहीं और है और वहां से आ रहा है, तो हम कहते हैं आगच्छति, गच्छति जाना और आगच्छति आना, और प्रत्यागच्छति का मतलब है लौट के आ रहा है, यानी यहां से गया था और फिर आ रहा है। दूसरे वाले में जो आना था वो तो कहीं और से था, यहां से गया फिर आ रहा है ऐसा नहीं था, जिसको हम कहते हैं गया आया लौट के आया, गच्छति जाता है, आगच्छति आता है, प्रत्यागच्छति लौट के आता है। तो ऐसे ही स्वर और प्रत्यास्वर है, तो इसमें से एक ऐसा है जो स्वर इति इमम आचक्षते, उसको तो स्वर कहते हैं, बस वो जाता ही जाता है, आता नहीं है फिर। और दूसरा वाला जो है अमुम, तो स्वर इति प्रत्यास्वर इति, वो आता भी है और फिर आता है, जाता भी है और फिर आता है, दोनों तरह से होता है वो। तो अब ये किसके लिए कह रहे हैं कि एक तो ये गर्मी हमारे शरीर के अंदर है और एक वो वहां भी तप रहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे वहां है वैसे यहां पर है, इस तरह से देखते हुए कि वो और ये समान है, वो जो तप रहा है वो यहां पर है, इसकी समानता बता रहे हैं। अब सामान्य रूप से जिसको पता नहीं है वो तो अलग अलग ही मानता है कि वो सूर्य अलग है और ये अलग है, जो नहीं जानता है वो कहता है कि सूर्य की गर्मी अलग है और लकड़ी जलाते हैं वो अलग है, अलग अलग ही मानता है, और जो जानता है वो कहता है कि नहीं वो जो है वो ही है ये,
आज का विज्ञान भी यही कहता है, सूर्य से जो प्रकाश ताप आता है वो ही संग्रहित हो जाता है पेड़ पौधों में, और उसी को जलाते हैं तो वही अग्नि के रूप में हमारा आ जाता है। जो वो है वही है, ये कुछ नई चीज नहीं है, अलग नहीं है। ऐसे ही हमारे इस शरीर में, शरीर में और बाहर का भी जो हमारे निकट की अग्नि है, वो जो वो है वही ये है, अर्थात वहीं से आई हुई है वही ये यहां पर गर्मी के रूप में प्रतीत हो रही है, इसके संबंध को देख रहा है वो। तो कहा समानम ऊ एव अयम च असौ च, अयम च असौ च, ये बिल्कुल समान है, अंतर नहीं है। दिखने में अंतर लग रहा है, बहुत बड़े हैं और छोटे हैं, लेकिन एक ही चीज है ये। और क्या समानता है कि वो भी उष्ण है ये भी उष्ण है, और अंतर क्या है, स्वर इतिमम आचक्षते, इसको तो स्वर कहते हैं, एक बार गया तो गया बस, फिर नहीं आता है। शरीर का प्राण उष्मा निकल गई एक बार तो निकल गई, फिर इस शरीर में दोबारे लौट के नहीं आती है, ना दूसरे शरीर में कुछ होगा, इस शरीर में लौट के नहीं आएगी। लेकिन वो है, वो कैसा है, स्वर इति प्रत्यास्वर इति, उसको स्वर और प्रत्यास्वर दोनों कहते हैं। वो जाता है और फिर लौट करके आता है, अगले दिन फिर उगता है, फिर शाम को चला जाता है, फिर उग करके आता है। तो स्वर और प्रत्यास्वर, प्रति आस्वर प्रत्यागच्छति की तरह उसको दोनों नाम से कहा जाता है, ये अंतर है। तस्माद्वा एतम इमम अमुम च उद्गीतम उपासित, तो इस प्रकार इसको और उसको दोनों को उद्गीत के रूप में हम उपासना कर सकते हैं, इससे भी हमारे जीवन का बहुत काम चलता है, अग्नि के द्वारा, प्रकाश सूर्य के द्वारा, इस प्राण के द्वारा, इसको भी उद्गीत मान के उपासना करें वो भी हमारे जीवन में काफी उपयोगी होता है। ये देवता है, सूर्य देवता है, अग्नि देवता है, इसके रूप में उद्गीत की उपासना कर रहे हैं, उद्गीत के रूप में इनको कह रहे हैं, उतने अंश में ये लाभ करेगा। और इनके पीछे वो परमात्मा है ये भी साथ में ध्यान में रखते हैं, जब स्थूल रूप से इनकी भी उपासना करते हैं तो भी इसके पीछे जो विद्यमान है व्यवस्थापक उसको भी साथ में लेते हैं। आगे तीसरा, अथ खलु व्यानम एव उद्गीतम उपासित, बोले अथवा व्यान को ही उद्गीत के रूप में उपासना कर लो। पहले सूर्य का कहा था, दोबारा ये और वो दोनों का कहा, अब एक व्यान चीज लेकर के आए। प्राण पांच प्राणों में आता है, प्राण उदान व्यान समान अपान, उसमें व्यान जो शब्द है एक, बोले अथवा इस व्यान को ही उद्गीत के रूप में उपासना कर लो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्राण और अपान की व्याख्या करते हुए अब ये उदान को कहते हैं। तो प्राण क्या कहते हैं, यद्वै प्राणीति सब प्राणों, जो हमारे में जीवन देता है, जीवन चलाता है, प्राणीति सब प्राण, हाँ प्राणीति प्राण, प्राणीति लट लकार का प्रयोग है। अनिति, अनिति शब्द अन प्राण ने है, अन धातु, उसमें प्रकर्ष रूप से कह दिया, जैसे स्वपिति बनाता है, बनता है रुदिति बनता है, इस प्रकार से अनिति प्र अनिति प्राणिति। तो जो जीवन देने वाला है, प्रकर्ष रूप से जीवन देने वाला है, सब प्राण है, उसको प्राण कहते हैं। और प्र ऊपर की ओर जाने के लिए भी बोलते हैं, प्र ऊपर की तरफ जो जाता है। आगे यद अपानीति सो अपाना, तो यद अपानीति, अनीति शब्द दोनों में समान है, उसमें प्र अनीति था प्राणीति, इसमें अप अनीति है अपानीति, जो प्राणन करता है लेकिन अप पूर्व, अप नीचे जाने को बोलते हैं, नीचे जाने को, निचली गति को, ऊपर से नीचे होने को अपान बोलते हैं। तो अपानीति अपानीति सो अपान है, उसको अपान कहते हैं। तो प्राण और अपान, ये जो श्वास लेते हैं इसके अंतर्गत भी प्राण अपान का प्रयोग करते हैं। तो सामान्यतः क्या प्रचलित है, प्राण बोलते हैं जो हम श्वास को अंदर लेते हैं, अपान अपान बोलते हैं जो बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं। स्वामी दयानंद जी ने भिन्न रंग से लिखा है, अपान जो अंदर जाता है और प्राण जो बाहर जाता है, इस रूप में लिखा है। उसको अर्थ में यूं देखेंगे, प्राण मतलब प्रकर्ष ऊपर की तरफ जो जाता है वो प्राण हुआ, और लोक में जो प्रचलित है जिससे जीवन मिलता है, जीवन मिलता है जो सांस अंदर लेते हैं उससे, बाहर तो बाद में छोड़ते हैं लेकिन जो अंदर जाती है उससे जीवन, इसलिए वो अंदर लेने वाले को प्राण बोलते हैं, इस तरह का भी वर्णन मिलता है। लेकिन अगर प्र ऊपर की तरफ देखेंगे
तो जो अंदर से बाहर निकलता है वो प्राण है, और अप अन, अप मतलब नीचे जो जाता है तो नासिका से यूं नीचे जाता है उसको अपान बोलते हैं। दोनों तरह से व्याख्या होती है। तो यद्वै प्राण इति सब प्राणो, यद अपान इति सो अपान है। ये एक तरह का शब्द को खोल रहे हैं, निर्वचन कर रहे हैं, क्यों प्राण कहते हैं इसको, क्यों अपान कहते हैं। जीवन तत्व तो इसमें जुड़ा हुआ है, व्यान में भी जुड़ा हुआ है, तो प्राणापान को बताने के बाद अब व्यान को कहते हैं। अथ यह प्राणापानयो संधि, जो प्राण और अपान की संधि है, जोड़ है, सब व्यान है, उसे व्यान कहते हैं। दोनों के बीच में है, दोनों के जोड़ में है, वो क्या है, यो व्यान है सा वाक, और जो व्यान है वो वाक है, वाक मतलब वाणी। अभी अलंकारिक रूप से उसके साथ जोड़ते 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 कह रहे हैं, जहां प्राण और अपान की संधि है, यानी जो न प्राण है ना अपान है, उसे व्यान कहते हैं। संधि क्या होता है, बीच का भाग होता है, जैसे कि संध्या किसे कहते हैं, सायंकाल किसे कहते हैं, दिन और रात की संधि को संध्या कहते हैं, दिन और रात की संधि को, वो संधि क्या कहलाती है, ना वो दिन है ना रात है, बीच के भाग को क्या कहेंगे हम। अब चाहे तो आप उसको दिन में भी ले सकते हो, चाहे रात में भी ले सकते हो, व्यवहार तो दिन और रात में कहीं ना कहीं करते हैं, लेकिन बीच के भाग को हम दिन और रात से अलग कहते हैं, ना तो दिन कह सकते हैं ना रात कह सकते हैं इसको। तो दिन और रात की जो संधि है, जहां न दिन है न रात है, उसको हम संध्या कह देते हैं, वो संधि भाग है। ऐसे प्राण और अपान की जो संधि है, संधि का मतलब है जहां पर न प्राण है न अपान है, एक दृष्टि से कह रहे हैं, जहां न प्राण है न अपान है, ये जो बीच का भाग है उसको व्यान बोलते हैं। और ये व्यान क्या है, यो व्यान है सवाक, जो व्यान की स्थिति है वही वाक है। अब कैसे संबंध है वो आगे बताएंगे। तस्मात, इस कारण से, क्योंकि जो वाक है वो व्यान है, व्यान के साथ वाक को जोड़ा है, तो इसलिए तस्मात अप्राणन अनपानन वाचम अभिव्याहरति। तो अप्राणन, प्राणन न करता हुआ, श्वास को जिस समय बाहर नहीं छोड़ रहा है, और अप अनपानन, जब श्वास को अंदर नहीं ले रहा है, अंदर बाहर जो भी अर्थ ले लें आप प्राणापान का, तो जिस समय न तो श्वास को अंदर ले रहा होता है और न श्वास को बाहर छोड़ रहा होता है, उस समय वाचम अभिव्याहरति, वाणी को बोलता है। अर्थात प्राण और अपान की संधि तो व्यान है, और जब प्राण भी नहीं है अपान भी नहीं है तो व्यान है, उसी समय बोल पाता है व्यक्ति। जिस समय हम बोलते हैं उस समय श्वास नहीं ले सकते, और यहां दोनों ही बातें कही हैं, प्राण और अपान दोनों नहीं होते, ना सांस ले सकते ना छोड़ सकते। ठीक है, क्या विचार है, सांस लेते हुए बोल सकता है कोई, सांस अंदर लेते हुए तो थोड़ी बहुत ध्वनि कर लें लेकिन बोल नहीं सकते। हाँ, इतना तो कह सकते हैं कि श्वास को छोड़ते हुए बोलते हैं हम, जिस समय हम बोलते हैं हवा निकलती रहती है, पेट सिकुड़ता है, फेफड़ों से हवा ऊपर आती है, स्वरयंत्र में जाती है, फिर मुख में अलग अलग स्थानों पर, और जो भी भिन्नता होती है, जीव इधर उधर होती है, उससे विभिन्न वर्ण अक्षर शब्द निकल जाते हैं, तो उसमें तो हमें वायु लगती है कि बाहर जाते हुए, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, न तो प्राण है ना अपान है, लेकिन वैसे तो हमारे को निकलता हुआ दिखता है। तो ये जो प्राण और अपान है, ये नाक नासिका की दृष्टि से देखिए, बोलते समय श्वास निकलता तो है, लेकिन कहां से निकलता है, मुख से निकलता है, बहुत अंश में, बहुत कम नासिका से बोलते हैं तो नाक से निकलता है, नहीं तो मुख से निकलता है, बोलते समय मुख से ही हमारा हवा निकलती है। तो ये जो प्राण और अपान दो चीजें थीं, ये नासिका से श्वास लेने के संदर्भ में था प्राण और अपान, और जब ना तो प्राण है ना अपान है, दोनों के नहीं है, तो नहीं नहीं नाक से ना अंदर भर रहे हैं, अंदर तो भर ही नहीं रहे, और बाहर भी नाम मात्र है या नहीं है, मुख से निकलता है वो, तभी हम वर्णों को बोल पाते हैं। तो इसलिए कहा न तो सांस लेता है न छोड़ता है। अब यूं तो इन्होंने लिखा है, ऋषि ने लिखा है, हम यूं कहने लगे हैं कि भाई ये तो गलत बात है, श्वास छोड़ते हुए ही तो हम बोलते हैं, विरुद्ध आ जाएगा ना इससे, सभी श्वास छोड़ते हुए ही बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष सिद्ध बात है। क्या इनको ये नहीं पता था कि श्वास को
छोड़ता भी नहीं है बोलते समय, तब इसका संदर्भ हम यही समझेंगे, संगति तो इसी तरह लगाएंगे कि नाक से नहीं छोड़ते हैं, मुख से छोड़ते हैं, तो प्राण और अपान का संबंध नासिका से। तो जब न प्राण होता है न अपान होता है, यानी व्यान होता है दोनों की संधि, उसी समय हम बोल पाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा यो व्यान है स वाक्, जो व्यान है वही वाक है। इसलिए जिस समय व्यान रहता है न तो न प्राण रहता है न अपान रहता है, तो तस्मात अप्राणन अनपानन वाचम अभिव्याहरति, तभी वाणी को बोल पाते हैं। ठीक है, तो व्यान से इन्होंने वाक को ले लिया, उसको जोड़ दिया, और वाक से आगे किसको जोड़ रहे हैं, पहले भी जोड़ा था इन्होंने, देखिए चौथा, या वाक सारिक, जो वाणी है वो ऋक है। वाणी का सार क्या बताया था, ऋक बताया था, वाणी का सार स्तुति है, इसके भी सार भाग। तो यद्यपि उसका सार है लेकिन फिर भी कारण कार्य में भेद अभेद करते हुए, या वाक सारिक, जो वाणी है वही तो ऋक है, क्योंकि जो जो ऋक होती है वो वाणी होती है, वचन होता है, वाक्य होता है, स्तुति होती है उसमें, तो या वाक सारिक। इसलिए तस्मात अप्राणन अनपानन ऋचम अभिव्याहरति, इसलिए जब जब ऋचाओं को बोलता है, स्तुति करता है, तो न प्राण रहता है न अपान रहता है, व्यान रहता है उस समय। ये व्यान की उपासना कर रहा है, क्योंकि बिना व्यान के हम बोल नहीं सकते, वाणी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते, तो ऋचा को भी नहीं बोल सकते, ऋचा भी तो वाणी वाक ही है। आगे या ऋख तत्साम, और जो ऋख है वही साम है, पीछे भी कहा था ऋख का रस क्या है, सार क्या है, साम है, उसमें जो गायन हो रहा है, ऋचा के ऊपर गायन होता है, वो गायन, तो गायन भी नहीं कर सकते, तो चूंकि वाणी ऋख है और ऋख ही साम है, तो इसलिए तस्मात अप्राणन अनपानन साम गायती, जिस समय साम का गान करता है उस समय भी न प्राण होता है न अपान होता है, उस समय व्यान होता है। ये व्यान की, व्यान को उद्गीत के रूप में देखें, व्यान की महत्ता बता रहे हैं। तो जो जो मुख्य कार्य है हम बोलते हैं, ऋक है साम है, वो बिना इसके नहीं होता। आगे यत साम सा उद्गीत है, जो साम है वही उद्गीत है, वहां पीछे भी कहा था साम का रस क्या है, उद्गीत है। साम का भी रस क्या है, वाक का रस ऋक, ऋक का रस साम, साम का रस उद्गीत, वहीं जाकर के टिकेगा। तो कह यत साम सा उद्गीत तस्मात अप्राणन अनपानन उद्गायति, इसलिए जब उद्गीत का वचन करते हैं, उद्गायन करते हैं, तब न तो प्राण रहता है ना अपान रहता है, उस व्यान की स्थिति रहती है। तो ये जो सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वाणी भी, ऋचा भी, और साम भी, और उद्गीत भी, ये बड़े महत्वपूर्ण है। इन सबको करते समय प्राण और अपान समाप्त होते हैं और व्यान रहता है। तो कहें इसीलिए और भी जो चीजें हैं महत्वपूर्ण, अगला देखिए, अतो यानी अन्यानी वीर्यवंती कर्माणी, अन्य जो भी बल लगने वाले कार्य हैं, जिनमें बल लगता है और जिनसे बहुत विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है, विशेष कार्य होता है, उन सब में उदाहरण दे रहे हैं कर्माणी, यथा अग्निर मंथनम, जैसे अग्नि का मंथन, अरणि मंथन करते हैं, लकड़ी को आपस में रगड़ते हैं, घिसते हैं, चलाते हैं, जैसे कि सोमयाग में अग्नि को उत्पन्न करते हैं, नीचे एक लकड़ी होती है, ऊपर एक लकड़ी रखते हैं, उसको गोल गोल घुमाते हैं दही बिलोने की तरह से, तो घूमते 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 उसमें घर्षण से उष्णता आ जाती है, और फिर अधिक उष्णता होने पे चिंगारी आ जाती है, धुआं निकलने लग जाता है, चिंगारी आ जाती है, फिर उस अग्नि का उपयोग करते हैं, उस चिंगारी से लेकर के फिर आगे अग्नि को बढ़ा देते हैं। तो वो सामान्य काम नहीं है, वो उसमें मेहनत बहुत लगती है, बहुत पसीने भी आ जाते हैं, बहुत मेहनत पड़ जाती है कई बार। तो जैसे अग्नि का मंथन है, ये भी जो वीर्यवत कर्म है, उस समय भी क्या करना चाहिए हमारे को, उस समय भी प्राण और अपान रुक जाते हैं, अप्राणन अनपानन, रस्साकसी होती है तब कैसे करते हैं, धक्का लगाते हैं कभी तो कैसे लगाते हैं, कभी सांस भर के भार उठाते हैं तो कैसे करते हैं, वजन उठाने, भारोत्तोलक, वेट लिफ्टर होते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे कार्य हैं, सांस भर के रोक करके, यानी प्राण और अपान को हम रोकते हैं वहां पर किसी तरह से। तो अतो यानी इमानी वीर्यवंती कर्माणी यथा अग्निर्मंथनम, आगे कहा आजेह शरणम,
युद्ध का शरण, युद्ध की तरफ जाना, युद्ध लड़ना, बड़ा संघर्ष आमने सामने का उस समय। दृढ़स्य धनुष आयमनम, बहुत दृढ़ धनुष हो, कठोर धनुष हो, उसको खींचना, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना, तीर को लगाना उस पर कठिन होता है। सामान्य बच्चों वाला होता है वो उसके लिए बात नहीं है, इसलिए इन्होंने दृढ़ धनुष का कहा। उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना, वो जो तार बांधना होता है, रस्सी बांधना होता है, जिसके लिए जो सीता किया करती थी, सुनते हैं ना रामायण के अंदर, तो सीता उसको बांधा करती थी, इतनी थी, तो जो इसको बांधेगा उसके साथ विवाह होगा, और रामचंद्र जी ऐसे थे। और उसको फिर खींचना, बल लगता है बहुत अधिक दृढ़ हो तो, उस समय भी यही होता है। तो इन सब कार्यों में अप्राणन अनपानन तानी करोति, उनको करता है। एतस्य हेतोर, इस हेतु से व्यानम एव उद्गीतम उपासित, इस व्यान को ही उद्गीत के रूप में उपासना कर लो, यही इतना महत्वपूर्ण है। बोलना, रिका रेक साम, ये जो सारी कार्य बताए, इस समय ये व्यान की स्थिति में हो रहे हैं, प्राणापान रुकने पे हो रहे हैं, तो ये इतना महत्वपूर्ण है, इसकी उपासना कर लो। उपासना हमेशा बड़े की जाती है, तो व्यान की उपासना कर रहे हैं, उसको उद्गीत के रूप में ले रहे हैं, तो उसको महान मान करके कर रहे हैं, ये एक प्रक्रिया होती है। और दूसरे ढंग से बता रहे हैं, भाई ठीक है उद्गीत की उपासना और भी ढंग से कर लो, ये भी नहीं होती है तो और दूसरे ढंग से कर लो, जो सूक्ष्म रूप से नहीं कर सकते वो सूक्ष्म स्थूल रूप से कर सकते हैं, उनके लिए उपाय बताए जा रहे हैं। और कहा, अथ खलु उद्गीत अक्षराणी उपासित उद्गीत है यदि, उद्गीत के अक्षरों की ही उपासना कर लो। उद्गीत जो शब्द है, जो लिखा जाता है उद्गीत, इसी की उपासना कर लो, इसी शब्द पर ही केंद्रित हो जाओ, वो तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा प्राण एव उत, मैं जहां रुकता हूं वहां चाहे तो अल्प विराम लगा लिया करो, प्राण एव उत उद्गीत, उद्गीत में उत शब्द पहले है, तो उत का मतलब है प्राण। क्यों प्राण को उत क्यों कहते हैं, तो उसका कारण बता रहे हैं, प्राणे नहीं उत्तिष्ठति, प्राण से ही तो ये उठता है, प्राण नहीं होगा तो उठेगा कैसे, ताकत होनी चाहिए, प्राण होना चाहिए, तभी तो व्यक्ति उठता है, करता है, कार्य करता है, बढ़ता है, इसलिए प्राण को उत नाम से कहा गया। उद्गीत में जो उत शब्द है इसका मतलब प्राण, अक्षरों के आधार पर जा रहे हैं। वागीत उद्गीत, उत अलग हो गया, बीच में जो है गी, गी तो बोले वो वाणी है, गी का मतलब है वाणी, तो वागी ये इतना सा शब्द हुआ, थोड़ा सा फिर अल्प विराम, आगे कहा वाचो ही गिरा इति आचक्षते, तो वाक को गी क्यों कहा, तो बोले वाचय ही वाणियों को ही, वाचय बहुवचन है, द्वितीय बहुवचन, वाणियों को गिरह इति आचक्षते, गी गिरव गिरह, गिरह मतलब गिरह, इस शब्द से कहा था, जो वाणियां होती हैं उसको गिरह शब्द से कहा जाता है, इसलिए वाक है वो गी है, गी एक वचन में होगा, गी गिरव गिरह तो वो एक वचन में, तो यहां गी उत गीत, गी जो है ये वाणी का प्रतीक हो गया, उत मतलब प्राण और गी का मतलब वाणी। और आगे अंत में बचा थ, थ तो कहा अन्नम थम, इतना सा अन्न जो है उसको थम कहते हैं, अन्न को थम कहते हैं, क्यों कहते हैं अन्न को थम, तो बोले अन्ने ही इदम सर्वम स्थितम, अन्न में ही तो ये सारा स्थित है, ये सारा जीवन चल रहा है, ये अन्न के ऊपर ही निर्भर है, अन्न नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा, तो अन्न पर सब कुछ स्थित है, स्थित में थ है ना बीच में, स्थित में थ उसको ले लिया केवल, ये निरुक्त शैली में किया है इन्होंने, उद्गीत उत ऊपर की तरफ प्राण ले लिया, गी गी वाणी के लिए ले लिया, और थ स्थित या स्थिर का थ जिस पे सब कुछ टिका हुआ है, बोले इस तरह से कर लो, इस अक्षरों की उपासना कर लो, तो तीन भागों में जोड़ तोड़ दिया इसको, उत गी और थ, प्राण वाक और अन्न इन पे केंद्रित हो जाओ, इनकी उपासना कर लो,
अब अक्षर तो तीन ही है, उत्गीत, ये तीन टुकड़ों में उसको बांटा है, तीन टुकड़ों में बांटा है, उत्गी और थ। अब उसका एक अर्थ तो ये कर दिया, प्राण वाणी और अन्न। अब दूसरे ढंग से इन्हीं शब्दों के ऊपर इन्हीं टुकड़ों का अन्य अर्थ बता रहे हैं, और ढंग से भी कर सकते हो आप, उपासना अक्षर की ही कर रहे हैं, उद्गीत अक्षर की, तो उसमें एक तरीका ऊपर बता दिया, इनसे संबंधित तीन बातों को पकड़ लिया। अब और कह रहे हैं देखो, तो उत का मतलब दूसरा भी है, तो बोले देहु एव उत, द्विलोक है ये उत है, क्योंकि ऊपर रहता है वो, तीन लोक होते हैं तो द्विलोक, तो देव एव उत एक बात। अंतरिक्षम गी, अंतरिक्ष जो बीच वाला भाग है वो गी है, और पृथ्वी थम, पृथ्वी जो है वो थम है, थ है, उद्गी थ, उत अंतरिक्ष, गी नहीं, उत द्युलोक, गी अंतरिक्ष लोक, और थ पृथ्वी लोक, तीनों लोक आ गए उद्गीत शब्द से, उद्गीत उद्गीत इसका भाव साथ में लेते हुए। तो ये तो स्थान बताए, लोकों का नाम तीन लोक हैं। अब इन तीन लोकों के अलग अलग देवता भी माने जाते हैं, मुख्य देवता, उनके लिए भी कहा, उनको भी हम उद्गीत से कह सकते हैं। तो कहा आदित्य एव उत, ये जो आदित्य है सूर्य है ये उत है, द्युलोक का देवता आदित्य को माना जाता है, निरुक्त के अंदर ही चर्चाएं आती हैं और भी शास्त्रों में आती हैं। द्युलोक कहते ही उसको हैं जो जहां प्रकाशमान लोक है, जहां प्रकाश वाले सूर्य आदि रहते हैं, उसको द्युलोक बोलते हैं। तो उसका देवता कौन है? आदित्य है। तो कहा आदित्य एव उत, उत का मतलब आदित्य भी ले सकते हैं, ये तीसरा अर्थ कर रहे हैं उनमें स्थित देवताओं को। आगे कहा वायुर्गी, और वायु गी है, उत गी, गी मतलब है वायु, तो अंतरिक्ष लोक के देवता में वायु एक देवता है, मुख्य देवता, विद्युत को भी माना जाता है लेकिन वायु को भी देवता माना जाता है, इंद्र को मान लेते हैं, तो वायु भी एक मुख्य देवता है, अंतरिक्ष का बीच में वायु रहती है। और अग्नि स्थम, और अग्नि जो है, अग्नि ही है वो थम है, नीचे जो थ है पृथ्वी लोक का देवता अग्नि माना जाता है। तो तीन लोक बताए, उत्गीत इससे तीनों लोकों का ग्रहण है, और फिर उत्गीत से इन तीन देवताओं का भी यहां पर ग्रहण है। इस रूप में उपासना कर लो उत्गीत की व्यापक रूप से, और अलग ढंग से कह रहे हैं उन्हीं अक्षरों पे, उद्गीत अक्षरों की ही उपासना कर रहे हैं लेकिन अर्थ बदल बदल के कह रहे हैं। सामवेद एव उत, सामवेद है उत ऊपर का, यजुर्वेदो गी, यजुर्वेद बीच का है, गी जो है वो यजुर्वेद है, और ऋग्वेद, ऋग्वेद थम, ऋग्वेद थ है, यहां पर तीन वेद हैं, तीन उनके अंदर, तो सामवेद सबसे ऊंचा है क्योंकि वो उपासना का है, यजुर्वेद बीच का है क्योंकि वो कर्म है, और ऋग्वेद सबसे नीचे का है क्योंकि वो ज्ञान है, ज्ञान के बाद कर्म करते हैं, बिना ज्ञान के कर्म नहीं होता है, कर्म करते हैं फिर उपासना करते हैं, ज्ञान आधार तो होता है लेकिन ज्ञान अपने आप में मुख्य नहीं होता है, उसके साथ फिर हमें कुछ करते हैं, ज्ञान के अनुसार कुछ उपासना करते हैं। तो ऋक यजु साम, ये साम यजु ऋक उत गी थ, तो जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, दुग्धे अस्मै वाग दोहम यो वाचो दोह, अस्मै इसके लिए, जो इस तरह से अक्षरों के आधार पर उद्गीत की उपासना करता है ये तीन वेदों को लेकर के, तो वाक यानी वाणी करता है इसका, वाक अस्मै दोहम दुग्धे, वाणी उसके लिए दूध दुहने लगती है, वाणी उसके लिए दूध दुहने लगती है, जो इस उद्गीत की इस ढंग से उपासना करता है तो वाणियों से का जो दूध है, सार है, रस है, तात्पर्य है, वो उसको पता लगने लगता है। तो वाग अस्मै दोहम दुग्धे, किस दूध को, यो वाचो दोह, जो वाणी का दोह है, जो वाणी का दुग्ध है उसको, उसके लिए दूहने लगती है, गाय वाला दूध नहीं, भैंस वाला दूध नहीं, पीने वाला दूध नहीं, लेकिन वाणी का जो दूध है वो उसके लिए दूहने लग जाती है। और क्या होता है, अन्नवान अन्नादो भवति, और ऐसा व्यक्ति अन्न वाला हो जाता है,
अन्न वाला यानी उसके पास अन्न हो जाता है, गेहूं चावल जो आदि, और अन्ना तो भवति, अन्न को खाने वाला भी हो जाता है, अन्न को खा भी सकता है वो। अन्न वाला होना और अन्न को खा सकने वाला होना दोनों बातें अलग अलग हैं। अन्न होते हुए भी नहीं खाया जा सकता, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो उपासना का कितना बड़ा फल है। तो कोई कहेगा कि हम तो बिना उद्गीत की उपासना के भी अन्नवान हो जाते हैं, किसान लोग, या खरीद करके और अन्न को खा भी लेते हैं। इतनी उपासना करके अन्नवान और अन्नादाय ही बनेंगे हम। तो यहां अन्न का तात्पर्य दूसरे ढंग से है, स्थूल रूप से खाना नहीं, स्थूल रूप से अन्न वाला नहीं। जो उद्गीत की उपासना नहीं करता है और अन्न उसके पास में है, अन्न का मतलब होता है जो जीवन देने वाली चीज है। एक अन्न जो हम खाते हैं वो मुख्य रूप से हमें जीवन देती है, इसलिए उसको अन्न कह देते हैं। बाकी सारी चीजें भी अन्न कही जा सकती हैं, जिन जिन से हमारा जीवन चलता है। तो इन सब चीजों को अपने पास जो रखता है, रखते हुए भी यदि उपासना नहीं करता है उद्गीत की, तो वो अन्नवान नहीं होता है। और अन्न को खाता हुआ भी वो अन्न को खाने वाला नहीं होता है, अन्नादा नहीं होता है, अन्न को अदन करने वाला नहीं होता है, खाने वाला भी कुछ नहीं, खाया पिया बेकार उसका। जो धन संग्रह कर रखा है, अन्न संग्रह कर रखा है, साधन संग्रह है, वो उसका होना ना होना बराबर है। अब किसी के पास बहुत धन हो और उस धन से वो शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है और ऐसा ही करता जा रहा है, तो ये जो इतनी उपासना करके अन्नवान और अन्नादो भवति, तो किसी के पास धन है और उसको व्यर्थ गंवा रहा है, तो हम क्या कहते हैं? काय का धनवान है तो उड़ा रहा है सारा, उड़ा देगा, काय का धनवान है। हमारे पास कम भी होता है और हम उसका सदुपयोग करते हैं, बोले हाँ ये धनवान है, क्योंकि हम उपयोग कर सकते हैं, उसका उपयोग करेंगे। तो जो उपासना नहीं करता है वो अन्न वाला होते हुए भी अन्न वाला नहीं होता है, क्योंकि जीवन तो उसका व्यर्थ जा रहा है, संसारिक भोगों में लगा हुआ है, पाप कर्म कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको अन्नवान होना क्या उसके लिए लाभदायक तो है नहीं। अन्नवान होना, साधन संपन्न होना, ये तो एक प्रशंसा है। तो प्रशंसा तो तब हो जब वो उसका सदुपयोग कर रहा हो, लाभ उठा रहा हो, वो लाभ तो उठा नहीं रहा है, उससे हानि कर रहा है, तो क्या फायदा उसका? उनके भारत के पास में इतने टैंक हैं, एटम बम है, और हम उससे प्रसन्नता तो तभी व्यक्त कर सकते हैं जब उससे कोई लाभ उठाएं। लाभ ना उठा के उससे अगर हम अपनी हानि कर रहे हो, तो ऐसे अस्त्र शस्त्र रख करके कौन उसको प्रशंसा के रूप में कहेगा कि हमारे पास ये है? वो तो हानि उठा रहा है, उसका होना क्या है, लाभदायक तो है ही नहीं। तो इसलिए जो उपासना नहीं कर रहा है, इस जीवन में आकर के वैसे ही जीवन बिताए चले जा रहा है, तो वो वास्तव में अन्नवान है ही नहीं, कितने भी भले धन धान्य भरे पड़े हैं उसके पास में, और कितना भी कोई खाता है वो अन्नाद नहीं है, वो अन्न को नहीं खा रहा है, जीवन नहीं जी रहा है वो। अन्नवान मतलब जीवन वाला, अन्नादय मतलब जीवन को उपयोग में लेने वाला, व्यर्थ जा रहा है उसका। तो वो क्या खा रहा है? अन्न थोड़ा ना खा रहा है, जैसे मोघम अन्नम मंत्र के अंदर आता है, मोघम अन्नम विंदते अप्रचेता, व्यर्थ ही अन्न को खा रहा है। सत्यम ब्रवीमी वधयित सतस्य, वो उसका नाश करेगा, उल्टा खा तो रहा है, वो सोच रहा है मेरा जीवन चल रहा है, जबकि वो उसका नाश कर रहा है। केवल आघो भवति, वो कुछ नहीं खा रहा है, अन्न नहीं खा रहा है, वो तो पाप को खा रहा है। तो इसी तरह से जो उपासना नहीं कर रहा है और वैसे ही खाए जा रहा है, जीवन जिए जा रहा है, साधनों का उपयोग किए जा रहा है, वो अपने आप को भले ही समझता है कि मैं अन्न वाला हूं और अन्न को खा रहा हूं, वो अन्न वाला है ही नहीं, अन्न को खा ही नहीं रहा है, क्योंकि उपयोग भी नहीं ले रहा है और बल्कि उससे हानि उठा रहा है। उसको अन्न को खा करके जी रहा है और जी करके गलत कार्य कर रहा है, तो क्या क्या वो अन्न को खाया उसने, अन्न का क्या उपयोग हुआ? तो जो उपासना करता है वो अन्नवान अन्नादो भवति, ये इसका तात्पर्य हो गया। यह एतानी एवं विद्वान, जो इनको इस प्रकार से विद्वान जानने वाला है, जानता है, उद्गीताक्षराणी उपासते, उद्गीताय इति, इन उद्गीत के अक्षरों की भी जो उपासना करता है। अब शब्द एक ही था उद्गीत, उद्गीत टुकड़े कर दिए और उसके अलग अलग अर्थ निकाल दिए,
इसका ये भी अर्थ है, इसका ये भी अर्थ है, इसका ये भी अर्थ है, और इनको समझ करके और इनके ठीक उपयोग को करके चल रहा है, वो भी एक तरह की उद्गीत की उपासना है। और इसी में गंभीरता से जाना है तो इनको करते हुए इनके पीछे छुपे हुई शक्ति को, इनको देने वाले को भी स्मरण करता है, इनके माध्यम से करता है, सीधे सीधे नहीं करता है लेकिन इनके माध्यम से करता है। अब जैसे उद्गीत में इन्होंने सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद की बात कही, एक वो व्यक्ति होता है जो सीधे ओम का उच्चारण कर रहा है, परमात्मा के गुणों का स्मरण कर रहा है, सर्वरक्षक आदि पीछे जो सीधे चर्चा हुई भाई उसी का ध्यान कर रहा है, उसी के स्वरूप का ध्यान कर रहा है। एक उद्गीत की उपासना कैसे कर रहा है, इन वेदों को पढ़ रहा है, इन वेदों को पढ़ रहा है, उसमें ईश्वर के वर्णन को सुन रहा है, समझ रहा है, विचार रहा है, ये भी उद्गीत की उपासना है। उद्गीत है, शब्दों को पकड़ा, शब्दों से तीन वेद को ले लिया और वेद को जो कर रहा है ये भी उपासना है। स्वाध्याय शब्द के अंदर योग दर्शन में प्रणव का जप और मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन दोनों बातें लिखी हुई हैं। दोनों मिला के भी कर सकते हैं और दोनों पर्याय रूप में भी हो सकती है। मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी तो हम उस परमात्मा का ही चिंतन कर रहे हैं, जप करते हुए भी जो प्रणव का जप कर रहे हैं तो भी परमात्मा का ही तो चिंतन कर रहे हैं, मन पे वही तो संस्कार पड़ रहे हैं। तो जो संस्कार जप करते हुए ईश्वर का स्मरण करते हुए पढ़ते हैं वही मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भी अच्छे संस्कार पढ़ते हैं। तो स्वाध्याय के दोनों अर्थ हैं, दोनों ढंग से हो सकती है, अपनी अपनी रुचि से कुछ भेद हो सकता है, दोनों का भी प्रयोग हो सकता है, सबको सब चीजें नहीं हो पाती, सब साधनों का उपयोग नहीं कर पाते। तो उद्गीत इस अक्षर की उपासना भी की जा सकती है। तो उसके अंदर इन्होंने जो पहले बताया था प्राण, वाक और अन्न, दूसरे रूप में बताया द्यौ, अंतरिक्ष और पृथ्वी, देवता के रूप में बताया आदित्य, वायु और अग्नि, वेद के रूप में बताया सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब उसको वाणी दुहने लग जाती है, उसको दूध मिलने लग जाते हैं, हम पशुओं का पालन दुग्ध आदि के लिए करते हैं, उसका सार होता है, ऐसा उसको मिलने लगता है, वो अन्नवान हो जाता है। आगे देखिए और कहते हैं अथ खलु आशी समृद्धि उपसरणानी इति उपासित। मूल उद्गीत की ही चल रही है, ये भी एक तरीका है। उदाहरण दे रहे हैं कि अथ खलु आशी समृद्धि, आशी मतलब हमारी इच्छाएं हैं, जो आशाएं हैं उनकी समृद्धि, अच्छी प्रकार से वृद्धि, जो हम चाहते हैं उनकी पूर्ति। अथ खलु आशी समृद्धि उपसरणानी इति उपासित, जो उसको उसके जो साधन हैं उनको विशेष रूप से हम प्राप्त करते हैं, उससे हमारे को समृद्धि हो जाती है, जो इच्छा है वो हमें प्राप्त होती है, जिस चीज की हमें इच्छा है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो उससे संबंधित साधनों के पीछे हम भागते हैं, उन साधनों को अपनाते हैं। हमें अन्न उत्पन्न करना है तो उसके लिए जो साधन चाहिए, यंत्र आदि, पानी, खाद, जो भी चीजें, बीज आदि, हम उनकी तरफ भागते हैं कि इन साधनों का उपयोग करेंगे और वो प्राप्त कर लेंगे। तो जिस भी लक्ष्य को करते हैं साधनों का उपयोग हम पर्याप्त करते हैं, उसको चाहे से ही चाहते हैं जैसे कि लक्ष्य को चाहते हैं, क्योंकि साधनों से हमें लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। तो कहा कि इसी तरह से, ये तो एक उदाहरण मात्र है, लोक का उदाहरण है, तो ये न सामना स्तोष्यन् स्यात् तत्साम उपधावेत, जिस साम से स्तुति करे, स्तुति करता हुआ है उस साम का विचार करे पहले, क्योंकि साम साधन है, उद्गीत की उपासना के लिए साम एक साधन है, वाणी, वाक, ऋक, साम और उद्गीत एक दूसरे के आधार बन रहे हैं। उपासना उद्गीत की करनी है तो साम को लेना होगा, तो साम को जिस साम से स्तुति करे, जिस साम का उपयोग करते हुए ऋचा का उपयोग करेगा, ऋक का उपयोग करेगा, तो उस साम को उपधावे, तो उसको साधन के रूप में अपना के अच्छी तरह से समझे, वो एक साधन हो गया उसका उद्गीत की उपासना का। तो जैसे हम उपकरणों के पीछे दौड़ते हैं ऐसे उसके लिए भी करें, ये भी एक साधन है। और इसी तरह कह रहे हैं यस्याम रिचि ताम रिचम, जिस ऋचा में
उस ऋचा के पीछे भी दौड़ें। जिस ऋचा का प्रयोग करना है, जिसमें उसको स्तुति करनी है, उद्गीत का करना है, स्तुति करनी है, उसको भी विचारें। यह भी एक साधन है। पीछे साम बताया, यहां ऋचा बताई। यदार्षेयम तम ऋषि, जिस ऋषि वाला वो मंत्र है उस ऋषि पर भी को भी साधन के रूप में देखें। वेद मंत्रों के ऊपर ऋषि भी लिखे होते हैं। ऋषि, देवता, छंद, स्वर। तो जिसकी जिस उपासना उद्गीत की उपासना करनी है, साम भी देखेगा और ऋचा है वो भी देखेगा, और वहां जो ऋषि लिखा हुआ है उसका भी उपकरण के रूप में सेवन करें, उसके पीछे भी वैसे ही भागे, यानी उसको भी समझे ये ऋषि कौन है। क्योंकि ऋषि की हमने पीछे देखी, जैसे अंगिरा थे, बृहस्पति थे, अयास्य थे, ऐसे वेद मंत्रों में भी बहुत मिलेगा कि उस मंत्र को समझ करके किन गुणों को उस व्यक्ति ने अपने में धारण किया, कैसा हो गया वो इनाम उसका पड़ जाता है। ये ऋषि होते हैं, उसका उपाधि नाम हो जाता है। तो जब हम मंत्र के ऋषि को देखते हैं और उसके अर्थ को देखते हैं कि ये गुण इस ऋषि शब्द का, जो ऋषिवाचक शब्द है, इसका तात्पर्य ये है, तो हमें पता लगता है कि इस मंत्र को पढ़ के, समझ के, साक्षात्कार करके हम भी ऐसे बन सकते हैं। उससे हमारी उसकी समझ बढ़ती है, हमें पता लग जाता है। तो यदार्षेयम तम ऋषि उपधावेता, ये सबके साथ जुड़ता जाएगा, उसके पीछे भागे, उसका चिंतन करे, ऋषि का भी चिंतन करे। तो साम का, ऋचा का और ऋषि का, और याम देवताम अभिष्टोष्यन स्यात ताम देवताम उपधावेत। और जिस देवता की स्तुति करनी है, जो विषय है उस मंत्र का, उसका भी पहले चिंतन करें, उसका भी विचार करें, उसको भी साधन के रूप में देखें। मात्र मंत्र को ही यूं बोल दिया, अर्थ कर लिया, इतने से बात नहीं बनती है। ये सारी चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं, इनसे वेद अधिक खुलता है और स्पष्टता होती है, और तब हम उद्गीत की उपासना अच्छी तरह कर पाते हैं। तो ऋषि और देवता, ऋचा है, ये इसके अंदर कहा, इस प्रभाग में। अब आगे कहते हैं इसी को, दसवां, ये न छंदसा स्तोष्यन स्यात् तच्छंद उपधावेत। जिस छंद से आप स्तुति करने वाले हैं, जिस छंद का प्रयोग किया गया है उस ऋचा में, उसके पीछे भी भागे, उसका भी ध्यान करें, ये किस छंद में है, उसको भी समझे और उसी के अनुसार फिर वो बोलेगा। और ये न स्तोमे न स्तोष्यन मान स्यात् तम स्तोमम उपधावेत। और जिस स्तोम के द्वारा स्तुति करें, उसके पीछे भी भागे, उसको भी समझे, उसका भी विचार करें। तो जिन मंत्रों से हम स्तुति करते हैं, सामगान करते हैं और मंत्रों का प्रयोग करते हैं, वो अनेकों का जो समूह होता है उसको स्तोम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उन मंत्रों का जो समूह है, अगर अनेक मंत्रों से कर रहे हैं तो उस पर भी पहले विचार करें, तब उद्गीत की उपासना होगी। आगे, याम दिशम अभिष्टोष्यन स्यात् ताम दिशम उपधावेत। और जिस दिशा की स्तुति करता हुआ चले, उस दिशा के बारे में भी विचार करें। अब दिशा मतलब उस दिशा में स्थित गुणों को देखता है, एक विशेष दिशा का प्रयोग करता है। जैसे हम मनसा परिक्रमा मंत्रों में करते हैं, प्राची है, प्रतीची है, उदीची है, दक्षिणा है, ऊर्ध्व है, नीचे की है, ये विभिन्न दिशाओं का प्रयोग करते हैं। वैसे तो उसी एक परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, उसी परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, उसी उद्गीत की उपासना कर रहे हैं, लेकिन दिशाओं का भी प्रयोग है, इस दिशा का, इस दिशा का। तो जो दिशा वहां पर कही गई हो, जिस दिशा को हम कर रहे हैं, उस दिशा के बारे में भी ध्यान करें। यानी ये भावना करें, हम प्राची कर रहे हैं तो सामने की दिशा आनी चाहिए, दक्षिणा कह रहे हैं तो ये दिशा आनी चाहिए उस समय भाव में हमारे, उसका भी विचार रखते हुए ये सब किया जाता है। ये भी एक साधन है। तो जैसे अपनी इच्छाओं को बढ़ाने वाला, पूरा करने वाला व्यक्ति उसके साधनों के पीछे भागता है, उनको अपनाता है, ऐसे ही ये जो उद्गीत की उपासना करने वाला है, वो साम को भी समझे एक साधन, ऋचा को समझे, उसके देवता को समझे, उसके ऋषि को समझे, उसके छंद को समझे, ये सब करें, और दिशा को समझे, ये सारे साधन हैं। इन सबको लेके जब करेंगे, तो जैसे हम विभिन्न उपकरणों साधनों को अच्छी तरह से अपनाते हैं तो सफलता मिलती है, ऐसे ही यहां पर भी इन सबको करना चाहिए। ये सब लेते हुए उपासना उद्गीत की जाती है।
और ये सब कह के अब अंतिम मुख्य बात कह रहे हैं कि आत्मानम अंततः उपसृत्य स्तुवीत। अंततः, अंत में, ये ऊपर से सारी चीजें करते रहेंगे, आदित्य का करते रहेंगे, इसका करेंगे, व्यान का करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दिशाओं का करेंगे देवता, लेकिन अंततः क्या करना है? आत्मानम, आत्मा को, यानी यहां पर ब्रह्म परमात्मा की बात है, आत्मानम अंततः उपसृत्य स्तुवीत, आत्मा के पास में निकट आकर के, पहुंच करके उसकी स्तुति करे, उसके निकटता उसमें मग्न होकर के अब स्तुति करे। अंत में वही ब्रह्म पे पहुंचना है। मनसा परिक्रमा के मंत्रों को बोलते बोलते भी ये सब विभिन्न दिशाएं और विभिन्न इशु और ये देवता, ये अधिपति और ये सब करते करते भी पहुंचना कहाँ है? अंत में ब्रह्म पे पहुंचना है। तो कहा आत्मानम अंततः उपस्थित्य स्तुवीत, उसकी स्तुति करें। और फिर कैसे करें? तो बोले कामम ध्यायन, जितनी इच्छा हो उतना ध्यान करता रहे वहां पर, उतनी देर, जितनी देर आप टिक सकते हैं, जितनी देर उस पर लग सकते हैं, कामम जितनी इच्छा है, यथा कामम जितनी इच्छा है उतना आप उसी पर टिका रहे। पहले की सारी चीजें, दिशाएं, मंत्र, ऋषि, देवता, ये सब एक साधन के रूप में आए, वो करते 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 ऐसी मानस की स्थिति बनी अब ब्रह्म पे जाकर के टिक गए और मन को वहीं पर ही लगा लिया और जितनी देर हो अब उसी पर टिक करके रह गए। तो कामम ध्यायन, जितनी इच्छा हो उतना उसमें ध्यान करते हुए बैठा रहे, जितना बैठना है, लेकिन कैसे? अप्रमत्ता, प्रमाद नहीं हो, आलस्य नहीं आए, जागरूकता से, अप्रमत्ता अभ्यासो है यद, तो और निकटता से, बहुत शीघ्रता से वो लाभों को प्राप्त करता है। लगातार उसी में टिका रहता है, परमात्मा पे ही टिक जाता है सब कुछ छोड़ करके, और अप्रमत्त रूप से करता है तो निकट ही वो चला जाता है। अभ्यास का ही करते तो निकट होता है, एक शीघ्रता भी होता है, बहुत शीघ्र ही उसको प्राप्त कर लेता है। क्या? यदस्मै सह काम संवृद्धेत, इसके लिए वह काम समृद्ध हो जाता है। जिस कामना को लेकर के वो चला है, वो कामना उसकी पूर्ति हो जाती है। जिस कामना को लेकर परमात्मा का ध्यान कर रहा था, वो कामना उसकी पूरी हो जाती है। अब यहां लौकिक कामनाओं की पूर्ति एक आंशिक रूप से भले ही स्वीकार कर लें, लेकिन ये विषय मुख्य कौन सा है? सब दुखों से निवृत्ति वाला, मुक्ति की प्राप्ति वाला, समाधि की प्राप्ति वाला, ईश्वर के आनंद की प्राप्ति वाला, वो उसको हो जाती है। अस्मै सह काम समृद्धेत, इसके लिए वो कामना बढ़ जाती है, फलीभूत हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, उसको मिल जाती है। कौन सी? यत काम स्तुवीत इति, यत काम स्तुवीत इति, जिस कामना वाला होकर के वो स्तुति करे, प्रशंसा करता है, ईश्वर के निकट जाता है, वो कामना उसकी पूर्ति हो जाती है। साधनों के रूप में लौकिक चीजों की भी और अंततः परमात्मा के आनंद की भी वो उसको मिल जाती है, पूरी हो जाती है। तो ये उद्गीत की उपासना का एक रूप इन्होंने बताया, जिसमें विभिन्न देवताओं को लेकर के, जड़ वस्तुओं को लेकर के, जो लाभकारी चीजें उनको लेकर के भी परमात्मा तक पहुंचना एक तरीका, अक्षर को लेकर के, शब्दों को लेकर के, उपासना के बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, एक ही उपासना पद्धति नहीं होती है, अलग अलग, इन एक एक प्रकार में भी कई कई हो जाते हैं, अलग अलग शैली से होते हैं, ये भिन्न भिन्न तरीके बताए जा रहे हैं, और ये सब के सब उद्गीत की उपासना के लिए ही हैं, और कोई प्रयोजन नहीं है इसका, लेकिन इस सबको करते हुए उसकी बहुत सी लौकिक कामनाएं भी पूर्ति होती हैं, उसको संतोष मिलता है इत्यादि, और परमात्मा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये खंड यहां समाप्त होता है। प्रणव पर ओ...